जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो एकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो उन लोगों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं डिफेंस की। आप सभी को पता है कि डिफेंस की जितने भी बच्चे मेरे दोस्त तैयारी करने वाले हैं उन सभी के लिए गुड न्यूज आ रही है। एक बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है उनके लिए, गुड न्यूज उनके लिए त्यौहार से कम नहीं है। एसएससी जीडी की जो वैकेंसी उसके फॉर्म 25 मार्च से अप्लाई होंगे। लेकिन दोस्तों आप सबको मैं बता दूं कि आपको पता है एसएससी जीडी की जॉब है क्या, एसएससी जीडी में कौन कौन सी जॉब है और जो जॉब है उनका क्या क्या काम है। दोस्तों ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। पता है क्यों? क्योंकि आप अगर किसी फोर्स की तैयारी कर रहे हो, मान लो आपको जाना, आपने देखा बीएसएफ का काम है, आपको फोर्स आईटीबीपी मिल गई, आपको पता नहीं है, फिर जिंदगी भर रोना पड़ेगा। इसलिए आपको सबसे पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि एसएससी जीडी की जॉब है क्या, एसएससी जीडी क्या है और इसमें कौन कौन सी जॉब है, आप कौन कौन सी जॉब कर सकते हो। आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी, जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं मेरे से इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही मेरे नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उससे जुड़ सकते हो आप टेलीग्राम से, इंस्टाग्राम का लिंक तो उससे आके मेरे से इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो आप सभी। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो एसएससी जीडी का जो जॉब है, सबसे पहले आप सभी को बता दूं इसके अंदर आपको काफी ऑप्शन मिल जाते हैं जॉब के, डिफेंस के कौन कौन से ऑप्शन है उनके बारे में बात करेंगे, साथ ही उनके काम क्या क्या है। वीडियो को एक बार एंड तक देख लीजिए ताकि आपका फायदा हो सके, क्योंकि नहीं तो फिर अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत पता ही नहीं चलेगा, आप गए थे सेव लाने लेके केला आ गए, वो वाली बात हो जाएगी आपके साथ जब नहीं पता होगा। तो एसएससी जीडी क्या है? सबसे पहले स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी, यानी जनरल ड्यूटी के लिए जो वैकेंसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करवाता है वो होता है एसएससी जीडी। इसके अंदर आपको टोटल 8 ऑप्शन मिलते हैं दोस्तों। 8 ऑप्शन का मतलब हो गया कि इसके अंदर 8 पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनमें से एक पैरामिलिट्री फोर्सेस है कौन सी, असम राइफल वास्तविक रूप से, बाकी कौन सी फोर्सेस है, आर्मर्ड फोर्सेस, सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स यानी CAPF, सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेस, टोटल 7 की 7। अब इनमें कौन कौन सी फोर्स है और कौन कौन सी फोर्स में आपको क्या क्या काम करने को मिलेगा इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहली फोर्स के बारे में बात करते हैं और मैं एक क्रम भी आपको बता रहा हूं, इस फोर्स का काम भी अच्छा है और आप इसको फर्स्ट चॉइस के रूप में भी ले सकते हो, आपके लिए डबल बेनिफिट दे रहा हूं मैं। फोर्स का काम के साथ साथ आपको फर्स्ट चॉइस भरने का भी आपको मतलब एक अच्छा सा आइडिया दे रहा हूं जिससे आप अपनी फर्स्ट चॉइस चूज कर सकते हो। मैं आपको यहां पे काफी अच्छे ऑप्शन दूंगा जिससे आपको आसानी रहेगी आप जब फॉर्म भरने जाओगे। आपको कई बच्चों को भी नहीं पता क्योंकि अभी उन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया, 25 मार्च से जब फॉर्म अप्लाई होगा तब आपको पता चल जाएगा कि जब आप फॉर्म भरने जाओगे तब आपसे ऑप्शन मांगा जाएगा कि आपको फर्स्ट चॉइस कौन सी है, सेकंड चॉइस कौन सी है, थर्ड चॉइस कौन सी है, इस प्रकार से आपको 8 चॉइस भरनी है, यानी जितने भी फोर्सेस है इनको 1 से 8 नंबर पे डिवाइड करना है। फिर आपको जब आपका सिलेक्शन होता है तब आपके अगर अच्छे नंबर होते हैं तो आपको फर्स्ट चॉइस मिलती है, नहीं तो फिर सेकेंड, नहीं तो फिर थर्ड, नहीं तो फिर फोर्थ, नहीं तो फिर फाइव। फर्स्ट चॉइस का जो रूल है वो मैं समझा चुका हूँ अच्छे से, एक वीडियो मैंने बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, आपको आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि इसमें कौन कौन सी जॉब है और उन जॉब का काम क्या क्या है। सबसे पहले आप इनको फर्स्ट चॉइस के रूप में भी ले सकते हो, NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। दोस्तों नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस जॉब में बहुत ही अच्छी जॉब मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इस जॉब का जो काम होता है वो होता है आपको सीबीआई की तरह। उसी प्रकार से आपने देखा होगा अभी जब केस चलते हैं जिसमें ये ड्रग्स माफिया इनके बारे में जो इन्वेस्टिगेशन करती है वो NIA करती है, यानी एक सीबीआई की टाइप का जॉब हो गया। सीबीआई को आप अच्छे से जानते हो, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, उसको आप काफी अच्छे से जानते हो, या क्राइम ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, तो उसको आप काफी अच्छे से जानते हो। उसी प्रकार का इसका जॉब है NIA का, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और बहुत ही अच्छा जॉब है और बिल्कुल 0% रिस्क वाला जॉब है, यानी 0.011% वाला रिस्क जॉब है। एसएससी जीडी की जितनी भी जॉब है उनमें सबसे कम रिस्क वाला जॉब कौन सा है, NIA, सेकेंड SSF, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस। दोस्तों इसका जो स्पेशली जो काम होता है वो होता है जो आप हमारे देश का खुफिया एजेंसी रो उसको जो सुरक्षा प्रदान करते हैं उसका काम। दोस्तों इसके साथ साथ SSB भी रो को सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन स्पेशली तौर पर SSF का गठन उसी के लिए किया गया है स्पेशल सिक्योरिटी के रूप में, तो आप सेकंड चॉइस के रूप में SSF दे सकते हो। क्यों? क्योंकि एक तो इसका जो काम होता है वो काफी अच्छा होता है, दूसरा कि आपको रिस्क कम होती है, बाकी जितने भी जॉब है उनकी बजाय ये जॉब थोड़ा सा इजी होते हैं फिजिकली तौर पे,
मेंटली इन जॉब में काफी अच्छा काम होता है, लेकिन फिजिकली तौर पे बाकी जॉब के बजाय इनमें थोड़ा सा काम कम होता है। बाकी जितने भी फोर्सेस है अब मैं आपको आगे जो बताने वाला हूँ उनकी बजाय इन जॉब का काम कम होता है। अब आते हैं नीचे और मुख्य रूप से जिन पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में आपने नाम सुना होगा, इन दोनों के बारे में आपने काफी कम सुना होगा, इसीलिए अब हम बात करेंगे जिनका आपने नाम सुना होगा। कौन कौन सी फोर्सेस है, वो छह फोर्स कौन कौन सी है, CRPF, BSF, ITBP, असम राइफल, SSB और CISF, ये सिक्स फोर्स और मिलती है, इन्हें टोटल कुल मिला के 8 फोर्सेस है दोस्तों। अब इनमें से आपकी फर्स्ट चॉइस कौन सी होनी चाहिए उसके बारे में साथ साथ एक छोटा सा रिपीट दूंगा मैं। वैसे इन सभी फोर्स के बारे में स्पेशली वीडियो बना रखे हैं पूरे के पूरे, जिनको आप आसानी से जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे, लेकिन एक छोटा सा रिपीटेशन देता हूँ। सबसे पहले CISF, ये आप अपनी फर्स्ट चॉइस कर सकते हो, सेंट्रल इंडस्ट्रियल CISF सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसका जो मुख्य रूप से जो काम होता है दोस्तों, ये इंडस्ट्रियल नाम इसीलिए जुड़ा है, एक तो जितने भी गवर्नमेंट खदान ये इंडस्ट्रियल एरिया होता है उनमें सिक्योरिटी देता है, उसके अलावा सरकारी उद्यानों में जैसे आपको एयरपोर्ट हो गया, एयरपोर्ट है, मेट्रो है, और भी इस प्रकार जैसे रेलवे है, उनमें कई जगह आपको CISF के जवानों की ड्यूटी मिलेगी दोस्तों। तो इसका जो जॉब है वो अच्छा माना जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें फैमिली परमिशन बाकी जितनी फोर्सेस की बजाय सबसे अच्छी मिलती है, क्योंकि इनकी जो ड्यूटी होती है अधिकतर सिटी में होती है या औद्योगिक क्षेत्रों में होती है, तो वहां का ज्यादा रिस्क वाला काम नहीं होता। इसके बाद भी हम आते हैं SSB, सीमा सुरक्षा बल। दोस्तों SSB भी आप सेकंड चॉइस दे सकते हो, क्योंकि इसका भी लड़कियों के लिए काफी अच्छी फोर्स मानी जाती है, CISF भी मानी जाती है, और ये SSB भी लड़कियों के लिए भी काफी अच्छी फोर्स मानी जाती है दोस्तों। इसमें छुट्टियां बाकी जितनी फोर्स है उसके बराबर 75 डे होती है, CISF में छुट्टियां 45 डेज होती है, लेकिन इसमें छुट्टियां 75 डेज होती है, लेकिन इसकी जो ड्यूटी है प्रेजेंट टाइम में वो है भारत और नेपाल बॉर्डर पर। आप सभी को पता है भारत और नेपाल का रिश्ता बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता है, बहुत ही अच्छा रिश्ता है, तो वहां पर रिस्क वाला ज्यादा पंगा नहीं है। यानी SSB में भी रिस्क सबसे कम मानी जाती है बाकी फोर्सेस की बजाय, यानी सबसे कम रिस्क वाली ड्यूटियां मानी जाती है, इसलिए आप अपनी सेकंड चॉइस SSB भी दे सकते हो। और इनकी जो ड्यूटी होती है इलेक्शन ड्यूटी लगभग सभी फोर्सेस की होती है, इनमें से NIA और SSF को छोड़ के बाकी जितने भी फोर्सेस है वो सभी इलेक्शन ड्यूटी आप सभी को पता करते हैं, या कोई भी धरना प्रदर्शन के समय या कोई भी हड़ताल होने के समय या देश में उग्रवाद होने के समय ड्यूटियां करते ही करते हैं। दूसरा हो गया SSV, ये आप दे सकते हो। इसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों असम राइफल, वो बच्चे दे सकते हैं जिनको आर्मी वर्दी पहनने का सपना होता है, साथ में असम राइफल एक मात्र पैरामिलिट्री फोर्सेस है वास्तविक रूप से, वो जिनको आर्मी में जाने का सपना होता है आर्मी में नहीं जा पाते तो असम राइफल में आप जा सकते हो। असम राइफल काफी अच्छी फोर्सेस है, ये आर्मी के साथ में अटैचमेंट ड्यूटी भी करते हैं, और जिनके जितने भी ऑफिसर होते हैं सब आर्मी के ऑफिसर होते हैं दोस्तों, आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी इनके ऑफिसर होते हैं कमांडिंग ऑफिसर वो सभी आर्मी से होते हैं, इनको आर्मी की CDS कैंटीन सुविधा मिलती है, बाकी जितने भी फोर्सेस है उनको CPC कैंटीन सुविधा ही मिलती है, लेकिन एक असम राइफल है जिसको CDS कैंटीन सुविधा मिलती है, एक्स सर्विस मैन का कोटा नहीं मिलता है। दूसरा, अब इसके बाद में हम आते हैं CRPF, BSF और ITBP। इनमें से दोस्तों CRPF, जिन बच्चों को कोबरा कमांडो बनने का सपना होता है वो CRPF में जा सकते हैं, क्योंकि CRPF विश्व की सबसे लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, यानी आर्मड पुलिस फोर्स है विश्व की सबसे बड़ी, 3,00,000+। तो दोस्तों इसमें आपको एक तो बहुत टाइप की ड्यूटी करने को मौका मिल जाता है, जैसे VIP प्रोटेक्शन, कोबरा कमांडो, RAF, NDRF, NSG, SPG, इनमें से कुछ फोर्सेस में बाकी अदर फोर्सेस से भी जा सकते हैं, जैसे NSG, SPG, इनमें बाकी अदर वाले भी जा सकते हैं NDRF में, लेकिन RAF CRPF की है और कोबरा कमांडो की CRPF कमांडो ही बन सकते हैं। तो CRPF जिनको कोबरा कमांडो बनने का होता है या अलग अलग प्रकार के जो VIP प्रोटेक्शन में इनमें ड्यूटी करना चाहते हैं उस CRPF को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके बारे में आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, कि मुझे लगता है कि जो बंदा फोर्स की तैयारी करता है उस बच्चे को पता होगा BSF का काम, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नाम से क्लियर है। इसके अलावा इसका जो काम होता है इलेक्शन ड्यूटी हो गया, उदंग वाले इलाकों में बॉर्डर से सटे क्षेत्र में ये पुलिस के रूप में भी काम करता है दोस्तों। इसके बाद में आता है ITBP, इंडियन तिब्बत पुलिस बल। आप सभी को पता है ITBP नाम से भी क्लियर होता है, भारत और चीन यानी तिब्बत की जो रेखा लगती है भारत पर, वहां पर ITBP काम करती है, वहां के इलाकों में पुलिस के रूप में भी काम करती है, हिमालय की उन चोटियों में भी काम करती है, और काफी चैलेंजिंग ड्यूटी मानी जाती है ITBP की। तो दोस्तों इस क्रम में से जो पहले मुख्य रूप से मैंने 2-3 क्रम आपको बताए उनमें से आप रख सकते हो, उसके बाद में आपकी चॉइस से भी आप फर्स्ट चॉइस का चुनाव कर सकते हो, उसमें कोई संदेह नहीं कि आप अपनी चॉइस से नहीं ले सकते, आप अपनी चॉइस से भी फर्स्ट चॉइस ले सकते हो,
नहीं नहीं इनका थोड़ा थोड़ा सा काम बताया, बाकी इनका डिटेल में काम जानने के लिए आप वीडियो और बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं मैंने आपके लिए, आप जाके देख सकते हो दोस्तों। जय हिंद जय भारत।